हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारी क्लास नंबर 25 रहेगी और 25 क्लास के बाद एक टेस्ट होना तो बनता है ना। तो आज की कंप्लीट क्लास होने के बाद कल 1 बजे या 2 बजे आपका टेस्ट होगा। 12 बजे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दूसरी क्लास का एक टेस्ट लेना 12 बजे, प्रोनाउन की क्लास का। तो कल आप तैयार रहना, 1 या 2 बजे टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। दिस इज नॉट अ मेगा टेस्ट, ये मेगा टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी और क्लासेस मिलनी हैं 5 आपको, तो 5 वॉइस की क्लासेस और मिलेंगी। फिर 30 क्लास के बाद एक टेस्ट होगा मेगा, फिर क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। लेकिन अभी सीखने को काफ़ी कुछ है क्योंकि मुझे वॉइस के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचानी है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप तैयार हैं इसके लिए? आपके पढ़ाई करने के तरीके से एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आने के बाद तुरंत आपका मैसेज आना, ये दिखाता है कि आप वाकई में इच्छुक हो, और ये चीज़ें हमें ताकत देती हैं, हमें अच्छा लगता है इस तरीके से। तो देखें, क्वेश्चन नंबर पहला है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव द राइटिंग। तो बच्चों इसके कितने आंसर होते हैं? 2। शुरू में लाएंगे द राइटिंग क्योंकि ये सब्जेक्ट है। द राइटिंग इज इम्पॉसिबल, द राइटिंग इज इम्पॉसिबल टू बी इम्प्रूव्ड। खत्म हो गया, राइटिंग सुधारना असंभव है, आंसर बन जाएगा राइटिंग का सुधारा जाना असंभव है। या ये आंसर ऐसे भी बन सकता है, द राइटिंग और बच्चों इज इम्पॉसिबल का बन जाएगा कैन नॉट बी और इम्प्रूव्ड, ये भी आंसर है। तो राइटिंग असंभव है, सुधारा जाना, आंसर बन जाएगा राइटिंग को सुधारा नहीं जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास में, तो सॉरी इट है तो यहां आकर के इट ही रहेगा, और इट इज पॉसिबल टू बी डन, ये हो गया पैसिव वॉइस। ऊपर वाले का मतलब है इसे करना असंभव है, तो आंसर बन जाता इसे किया जाना असंभव है। या फिर मैं असंभव बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में मीनिंग ना असंभव का ज्यादा चलता है, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। असंभव इसमें था, इसमें संभव है, सॉरी। तो इट इज पॉसिबल टू बी डन, इसे किया जाना संभव है, या इट कैन बी डन, इसे किया जा सकता है। फिर आते हैं नीचे, इट वॉज इम्पॉसिबल टू हंट लोयन, तो आंसर बनेगा हंट, सॉरी लोयन शुरू में आएगा, तो लोयन वॉज इम्पॉसिबल, लोयन वॉज इम्पॉसिबल टू बी हंटेड। मतलब क्या है इसका बच्चों? ऊपर वाले में असंभव था शेर का शिकार करना, तो बन जाता शेर का शिकार किया जाना असंभव था, या लोयन और वाज है तो कुड आएगा, ध्यान रखना, इम्पॉसिबल है तो नॉट, तो कुड नॉट बी हंटेड। ये सब सिखा चुका हूँ आपको, वो मज़े लेगा जो रिवीजन बरकरार रखेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, बार बार चीज़ों को देखता रहेगा, वो मज़े लेगा एग्जाम पेपर में। वरना ये 30 क्लासेस सीखने के बाद बिना रिवीजन के, बिना प्रैक्टिस के, बिना टेस्ट के जीरो हैं बिल्कुल। आपने पैसे ख़राब कर लिए। मैं जिस उम्मीदों से आप मुझसे जुड़े थे, वो आप अपने हाथों से उम्मीदें ख़त्म कर लोगे और परेशान रहोगे। चाहते हो सही से रिवीजन करते रहो बीच बीच में। फिर आते हैं, इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, तो शुरू में आएंगे हम यहाँ द पुअर, क्योंकि वो शुरू में आता, लेकिन रुक जाओ आप, यही तो चीज़ होती है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल में जो ऑब्जेक्ट होता वो सब्जेक्ट बनता। लेकिन कल तो सिखाया था आपको, क्या आपको लग रहा कि ये मुझसे धोखे से हुआ? नहीं, ये आपसे भी हो सकता, इसीलिए जोर दे रहा हूँ इसके ऊपर। ये ऑब्जेक्ट नहीं लाते हम, जब हमारा ड्यूटी वाला सेंटेंस होता तो ये बनता सब्जेक्ट हमारा। तो यू आर सपोज्ड, या कर दो यहां बाउंड इन ड्यूटी, तो यू आर सपोज्ड या यू आर बाउंड इन ड्यूटी, पूरा ऐसे उतार दो, ये होता बड़ा सिंपल सा सेंटेंस, टू हेल्प द पुअर, खत्म हो गया। तो तुमसे उम्मीद करी जाती है, तुम ड्यूटी में बंधे हुए हो गरीबों की मदद करने की। फिर आता, इट वॉज योर ड्यूटी टू सर्व योर कंट्री, तो यू वर सपोज्ड, तुमसे उम्मीद की गई थी, या यू वर बाउंड इन ड्यूटी,
तो तुमसे उम्मीद की गई थी या तुम कर्तव्य में बंधे हुए थे। टू पूरा ऐसे उतार दो, सर्व योर कंट्री, आगे कुछ नहीं करते हैं। अच्छा सॉरी, वो पेरेंट्स है, कंट्री नहीं है, चलो पेरेंट्स लिख दो। टू सर्व योर पेरेंट्स। रुको, आपने देखा मुझे तीन जगह कंफ्यूजन हुआ, मतलब आपको लग भी रहा होगा सर तीन जगह गलत बोला आपने, यहां गलत बोला था मैंने, ठीक है, फिर यहां जो था हमारा हंट ले लिया था मैंने, लोयन करना पड़ा बाद में, एक ही है। ये क्या हो रहा, ये हो रहा कि मैं यहां अभी किसी और चीज के बारे में सोच रहा था, तीनों टाइम पे जब तक वो करवा रहा हूं तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहा, मेरा आंसर गलत होने लगे, गलत मतलब मैं गलत तरीके से बनाने लगा, सही होगा लेकिन, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, जिस भी समय हम पढ़ाई करते हैं, जिस समय हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ और मत सोचा करो। जब आपका टीचर, अभी मैंने 3 4 मिनट किसी और चीज के बारे में सोचा, पढ़ाई से रिलेटेड था, वो टेस्ट था मतलब दिमाग में मेरे कि अब क्या करना है मुझे आगे को ऐसा करके, तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। तो बच्चों ये वाकई में सच बात है, कॉन्सेंट्रेट हो करके करी गई आधे घंटे की पढ़ाई बिना कॉन्सेंट्रेट करे गए 5 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती, बल्कि और 5 घंटे की बेकारी है, आधे घंटे वाले काम की है। तो कॉन्सेंट्रेट क्या करो, कॉन्सेंट्रेट होता है जब पढ़ने बैठो सब कुछ भूल जाओ और ये सोचो कि ये जो पढ़ रहा हूँ ये मेरी जिंदगी बदल देगा, ये सोच के पढ़ो आप, मजा आएगा। तो एक इशारा दिया मैंने आपको, अब गलती नहीं होगी मुझसे, पूरे क्लास में देख लेना आप इंशाल्लाह। क्यों, अब मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मैं उसे भूल गया। अब यहाँ देखो आप, इट इज आवर ड्यूटी टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये सरकारी संपत्ति होती है, तो इसका आंसर ये बनेगा, वी आर सपोज्ड, तो वी आर सपोज्ड या बाउंड इन ड्यूटी, तो हमसे उम्मीद करी जाती है या हम ड्यूटी में बंधे हुए हैं। टू पूरा ऐसे उतार देंगे, टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी और फुल स्टॉप। जब ऐसे ही लिखना तो टाइम वेस्ट क्यों करूं, नोट कर लो इसे। तो बच्चों कल हमने करा था इंपरेटिव की प्रैक्टिस, आज हम करेंगे लेट की प्रैक्टिस, और उसके बाद में नया टाइप शुरू करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आज क्लास में जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होना है आपका। मैं भले ही बोल देता हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ भी बेकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, पता नहीं कौन सी चीज़ पेपर में आ जाए। तो अभी करेंगे पहले जरा 4 एग्जाम्पल लेट के, देखो और आंसर बताओ मुझे, प्रैक्टिस कर लेंगे जरा इसकी, 4 की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। मैं फिर एक बात बता दूँ आपको, जैसे विदाउट मसाला, जो मसाले होते हैं हरी मिर्च लाल मिर्च धनिया नमक, इनके बिना सब्जी बेकार है, मेरा यकीन मानो, पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल रद्दी है, प्रैक्टिस के बिना रिवीजन के बिना कोई फायदा नहीं होता है, जीनियस नहीं हो आप, जीनियस पैदा होने ही बंद हो गए, होते तो करोड़ों में एक होता, लाखों में एक, वो नहीं हो आप, समझ लो मैं भी नहीं हूँ वो, यानी कि मुझे भी और आपको भी चीज़ों को बार बार पढ़ने की, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कर लो मान लो मेरी बात। परेशान हो कि सर कहाँ से करें, गूगल पे जाइए और लिख दीजिए प्रैक्टिस बेस्ड ऑन जो भी दिमाग में आया आपके, या उसमें गूगल में बोल दो, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो बोल दो, उसमें स्पीकर भी होता साइड में, वो खुल के आएगी एक्सरसाइज, उसे सोल्व करो, कोई परेशानी है मुझे भेजो, मैं समझाऊंगा आपको। फिर यहाँ आते हैं बच्चों, हमने तो पहला है हमारा लेट हर डू इट एक सेंटेंस, दूसरा है हमारा लेट हिम बी टॉट बाई मी, और अगला है हमारा लेट हर गो, फिर लास्ट में है हमारा लेट हर बी टॉट और फुल स्टॉप। तो जब भी कभी हमें लेट वाला सेंटेंस लिखा हुआ मिलता, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये हो पाएगा या नहीं, तो आप बताइए किस किस में हो सकता है, ऊपर वाले दोनों में हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो पहले यही काम करो आप, लेट को गायब नहीं करेंगे, लेट का लेट, इट को यहाँ लाओ, इसका बी डन कर दो, और बच्चों बाई हर ये बन गया पैसिव, क्योंकि ये एक्टिव था ये पैसिव, और यू आर तो बन जाएगा क्योंकि वो एक्टिव में है ना, तो यू आर आस्क्ड टू लेट हर और डू इट, ये बन गया पैसिव, दोनों पैसिव बन गए, खत्म हो गया। हिंदी यह है उसे ये करने दो, तो यह है उसके द्वारा किए जाने दो, तुमसे कहा जाता है उसे ये करने दो,
फिर आते हैं लेट हिम बी टॉट बाई मी, तो मी को यहां लाओ, यानी कि लेट मी, इसका कर दो टीच, लेट मी टीच हिम, ये हो गया एक्टिव, ये था पैसिव, लेट मी टीच हिम। अब इसका यू आर से बना दो ना, क्योंकि ये पैसिव है, इसका यू आर से कैसे बनाओगे आप, पैसिव का पैसिव नहीं बनता ना, खत्म हो गया। अब यहां आते हैं, तो बच्चों क्या इसमें ये काम हो पाएगा ना, फिर बोल दूं लेट जब आपके सेंटेंस को शुरू करे तो बस दो ही तरीके हैं, या तो ये वाला या यू आर। अब क्या होगा, या तो दोनों से बन जाएगा या किसी एक से बनेगा। तो शुरू करते हैं, लेट हर गो, ये काम नहीं हो पाएगा, एक्टिव में है, यू आर से बन जाएगा। यू आर एक ही आंसर है, यू आर आस्क्ड टू लेट हर और गो बन गया, उसे जाने दो, तुमसे कहा जाता है उसे जाने दो। लेट हर बी टॉट, ये काम नहीं हो पाएगा, देख लो आप चाहें, हो पाएगा या नहीं, मजे की बात यू आर भी नहीं हो पाएगा। और जब हमारे दोनों ये काम फेल हो जाएं, ये काम नहीं कर पाए हम ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से, यू आर ना कर पाए क्योंकि पैसिव में दिया है पहले से, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस लेट को गायब करेंगे और टीच कर देंगे, इसका टीच हर, और ये हो गया हमारा पैसिव, ये हो गया एक्टिव, खत्म। इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका यही बढ़िया और इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये काम हो सकता है या नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट है तो उम्मीद है कि इधर ले जाओ इधर ले जाओ, वो तो बनना है पक्का, यू आर से सोचना तो एक्टिव है तो बना दो, पैसिव है तो नहीं बनेगा, और इसमें दोनों खत्म है तो ये बन जाओ बस। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर बड़ी जल्दी जल्दी करवाया, लर्निंग बड़ी स्लोली होती है, बहुत आराम आराम से, रिविजन जल्दी जल्दी होता, आप भी तो करते होंगे एकदम एकदम वीडियो निकालते होंगे, और प्रैक्टिस उससे भी जल्दी होती है, तो सही तो चल रहा है बिल्कुल। आज का नया टाइप, इसमें ग्रामर भी है आज के टाइप में, देखो बच्चों इधर, नेम वर्ब ऐसा भी है, इलेक्ट आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप समझ जाओगे, चूज सेलेक्ट मेक अपॉइंट, नेम इलेक्ट चूज सेलेक्ट मेक अपॉइंट, एक मिनट मुझे वर्ब पे थोड़ा डाउट है, थिंक हो या कंसीडर, पूरी हो गई अभी ये, मुझे दो का ध्यान नहीं था इनका। तो देखो बच्चों नेम, अब मैं पूछूं आपसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में तो तुम्हारा नाम क्या है, ये नाउन है, लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पैसिव वॉइस। तो ये जितने भी बोर्ड पर रखे हुए हैं, चाहे नेम हो कंसीडर हो सेलेक्ट हो मेक हो, ये सब के सब मेन वर्ब होंगे, पक्का मेन वर्ब होंगे, वो सेंटेंस बता देगा आपको। इसके बाद क्या होगा फिर बच्चों, फिर बच्चों इसके बाद होगा एक व्यक्ति, फिर इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में होगा संबोधन, संबोधन मीन्स कोई पद या नाम, ये क्या बात हुई, ये बात है, जैसे हम कहें, अच्छा इसमें एक शब्द और याद आ गया मुझे, क्राउन, क्राउन भी लिख लो इसमें, ये ताज पहनाना होता है। तो सुनो इसमें बच्चों क्या होता, किसी को कप्तान बना देंगे, कप्तान यहाँ आएगा, किसी को राजा बना देंगे, किसी को प्रिंसिपल बना देंगे, किसी को चपरासी बना देंगे, किसी को बेवकूफ कह देंगे, कॉल है ना थिंक, किसी को चोर समझ लेंगे, किसी को जासूस समझ लेंगे, समझ लेना, यानी कि जब एक सब्जेक्ट में व्यक्ति होंगे, इन वर्ब से किसी दूसरे व्यक्ति को ये नाम दें, तो फिर एक बात ध्यान देने लायक इसके अंदर ये है कि ये जो संबोधन है हमारा, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, इसका नाम मैं बता दूं आपको क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, मतलब होता है इसका पूरक, पूरक मीन्स जो हमारे इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता। और बच्चों ये जो व्यक्ति है हमारा, ये होता ऑब्जेक्ट। और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर मुझे इनका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए यहाँ जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट आता या ऑब्जेक्ट आता, सोचो आराम से, ऑब्जेक्ट आता। तो बस ये गलती मत करना आप, ये एक्टिव वॉइस में है,
और जब इसका पैसिव बनाओ तो इसे लेके मत जाना इधर, बल्कि किसे लेके जाएंगे, इसे। इतना नोट कर लो आप, एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, मिनटों में हो जाएगा, नोट कर लो इसे। फिर बता दूँ, इन सारी वर्ब का ध्यान रखना आप, किसी को कोई नाम देंगे, किसी को इलेक्ट कर लेंगे वोट डाल के, किसी को चुन लेंगे ऐसे ही, किसी का सिलेक्शन कर लेंगे, किसी को बना देंगे, किसी को नियुक्त कर देंगे, किसी को पुकारेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, किसी को ताज पहना देंगे या कोई उपाधि दे देंगे, ये आएगा सारे का सारा। तब क्या होगा, पैसिव जो पद होगा या नाम उसे मत लाना, व्यक्ति को लाना, बस यही इसका आंसर है। देखो इधर आंसर, जैसे एग्जाम्पल, दे क्राउंड मी किंग, दे क्राउंड मी किंग, वी सेलेक्टेड हिम, वी सेलेक्टेड हिम कैप्टन, दे मेड हर, दे मेड हर प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ये सारे एक्टिव वॉइस हैं, इसमें डिड है, इसमें भी डिड है और इसमें भी डिड है, एक्टिव वॉइस है, बड़ा आसान है ये। इसके बाद तुरंत एक टाइप नंबर 18 आएगा, वो बहुत बढ़िया, उसके दो आंसर होंगे, लेकिन इसका एक ही आंसर है। क्या होगा इसमें, इसे यहां लाएंगे आप, इसे यहां लाने की गलती मत करना, इसे। तो आई वाज क्राउंड, ये बनेगा आई वाज क्राउंड किंग, यहां आ जाएगा, पास में लाना किंग, ये लास्ट में पहुंचेगा। बाई देम, हिंदी सुन लो, खत्म हो गया, उन्होंने मुझे राजा बनाया, मुझे राजा बनाया गया उनके द्वारा, तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा, बाकी आपको दिखा दिया गया। बस एक गलती ये कर जाते हैं बच्चे, इसके अंदर जो पद होता है ना उसे बना देंगे सब्जेक्ट, ये नहीं करना आपको, ये वर्ब सारी याद करो और समझ जाओगे आप, यहाँ व्यक्ति होगा उसे पद देंगे, तो पद नहीं आएगा व्यक्ति आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा हमारा पैसिव में, ही वाज सेलेक्टेड, ही वाज सेलेक्टेड कैप्टन, और बाई अस पैसिव वॉइस, उसे हमारे द्वारा कप्तान चुना गया था, उन्होंने उस लड़की को प्रिंसिपल बना दिया। तो देखो जरा गलती, प्रिंसिपल वाज गलत है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो शी लाओ, शी वाज मैड प्रिंसिपल और बाई डैम, ये बन गया पैसिव वॉइस। नेम इलेक्ट चूज अपॉइंट सेलेक्ट कंसीडर थिंक कॉल या क्राउन के बाद में जो पहला होगा व्यक्ति, वो व्यक्ति होगा कोई, और बाद में उसका पद, इस व्यक्ति को इधर लेके जाएंगे पैसिव बनाने के लिए, और जो सब्जेक्ट होगा उसे लास्ट में बाई से जोड़ देंगे, ये काम हो गया हमारा। ठीक है, ये तो कर लोगे आप, बहुत आसान है। इसके अंदर एक ग्रामर और है, वो और समझ लो, मजा आएगा। इसके अंदर एक ग्रामर और है, उसे और समझ लो, ये पेपर में आती है, आपको परेशान कर देगा वरना। ये सुनो अभी तक, देखो बच्चों, जितनी भी ये मेन वर्ब थी, जितनी भी, इनके बाद में ये व्यक्ति, फिर इसके बाद में ये जो संबोधन वाला पद है, यहाँ आर्टिकल ए या एन या द नहीं आता, ऐसा क्यों होता वो समझो आप। हर बार होगा ऐसा या कभी कभी होगा, कभी कभी क्यों होगा वो समझो आप। देखो बच्चों, जब मैंने किसी को राजा बनाया, हमने मतलब ज्यादा लोग बनाएंगे, हमने राजा बनाया किसी को, हमने किसी को कप्तान बनाया, हमने किसी को प्रिंसिपल बना दिया, हमने जो है किसी को अध्यक्ष बना दिया प्रेसिडेंट, हमने किसी को रानी बना दिया, या हमने किसी को जो है मतलब और कुछ ऐसी अध्यक्ष वगैरह बना दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं, एक स्कूल में कितने कप्तान होते हैं। मैं सिर्फ कप्तान की बात कर रहा हूँ, मैं वाइस कैप्टन की, मैं वाइस प्रिंसिपल की, मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, बस मैं उनकी कर रहा हूँ जो एक होते हैं। जैसे कप्तान एक होता है टीम में, आप कहोगे सर नहीं दो होते हैं, वो दूसरा उप कप्तान है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो सुनो,
किसी को कप्तान बनाना हो या बनाया हो, किसी को प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाना हो या बनाएंगे, किसी को जो है राजा बनाना हो, किसी को रानी बनाना हो, या किसी को जो है और ऐसा ही कुछ बनाना हो, तो एक बात ध्यान रखना आप, ये जो सिंगल पद होते हैं ना, सिंगल पद जो सिंगल होते हैं अपने ग्रुप में, ये अपने आप में ही सिंगल होने की वजह से कोई दूसरा आर्टिकल नहीं चाहते। बच्चों का दिल करता है कि सर ए तो लगा दो, एक राजा ना, राजा क्यों, राजा तो एक ही होता है ना, क्यों लगा रहा हो ए आप। तो ये एक नंबर की एरर भी आती है। देखो जरा बोर्ड पे आप क्या समझा रहा हूं मैं आपको, इसे नोट कर लो सबको। अब ये दो सेंटेंस देखो आप दिमाग से जरा, वी मेड हिम फॉर ब्लैंक और कैप्टन, ठीक है। अगला है वी मेड हिम, वी मेड हिम ये हो गया, रुक जाओ अभी, सही है। और वी क्राउंड हर और ब्लैंक क्वीन, फिर अगला एग्जाम्पल है दे अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल। सब समझाऊंगा पूरा, ये ग्रामर चल रहा है, ग्रामर सब चीजें सीखा करो जब सीखो तो। दे अपॉइंटेड मी और ब्लैंक प्योन। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं, जब बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति को कोई पद देंगे और आपको लगे यार ये तो उस समूह का एक ही पद है, आर्टिकल मत लगाना कोई भी, इसके ऑप्शन सुन लो आप। इसके ऑप्शन है ए एन द या नो आर्टिकल, तो ध्यान रखना नो आर्टिकल, नो आर्टिकल और नो आर्टिकल, क्योंकि कप्तान एक होता तो हमने उसे कप्तान बना दिया, समझ लो एक होगा। हमने उसे रानी बना दिया, समझ लो एक ही रानी है। आप क्योंकि सर रानियां और भी होती हैं आपकी नजरों में हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में रानी वो होती है जो पद संभाले वो होती है। राजा की बीवियां सारी रानी नहीं बनती, एक बनती कोई उनमें से, तो एक ही होती। और दे अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल ये भी एक पद है, लेकिन यहाँ हो आप दे अपॉइंटेड मी प्योन। अब आप क्योंकि सर हमारे स्कूल में तो एक ही चपरासी है, मेरी बात सुनो आप, चपरासी या टीचर ज्यादा हो सकते हैं और होते भी हैं, तो इनमें आपको ये दिखाना पड़ता है कि भाई जिसे बनाया है उसे जो बनाया है वो पद एक है तो मत लगाओ, लेकिन जब ये है तो आपको यहाँ ए लगाना चाहिए, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपॉइंट की वजह से हुआ ना, अपॉइंट तो इसमें भी है लेकिन प्रिंसिपल से पहले नहीं आएगा, तो ध्यान से सुन लो फिर से दोबारा। मैं किसी भी क्वेश्चन को सिखाते समय जिन बातों पे जोर देता हूँ समझ जाया करो कि वहाँ एरर पूछी जाएगी, वहाँ अगर एग्जाम पेपर में कोई बात ऐसी होती जो मैं मना कर रहा हूँ तो उसे काट के नंबर प्राप्त कर सकते हो आप। तो ये जितनी भी मेरी मेन वर्ब है इनके बाद में जो हमारा व्यक्ति है और ये पद जो होगा संबोधन, अगर ये सिंगल है जैसे कप्तान रानी राजा प्रिंसिपल, तो भैया आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर पद ज्यादा है तो आ जाएगा, जैसे ये होगा या टीचर होगा तो भी ए आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है ना। अब इनका पैसिव बनाना हो तो वैसे ही बताता हूं मैं, आप आंसर लगा लो। ही वाज मेड कैप्टन बाई अस, शी वाज क्राउंड क्वीन बाई अस, आई वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल बाई देम, आई वाज अपॉइंटेड ए प्योन और बाई डैम, ये बन जाएंगे पैसिव वॉइस इनके। एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एरर बताओ और वॉइस भी चेंज करना फिर इसका बाद में, पहले गलती बताना क्या है। दे इलेक्टेड हिम ए प्रेसिडेंट फुल स्टॉप। और दूसरा है हमारे पास में दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी,
हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है बच्चों। ये दो सेंटेंस हैं हमारे, हमने आपसे साफ साफ मना कर रखा, ना ए आएगा ना एन आएगा ना द आएगा उस पद से पहले, ना ए आएगा ना एन आएगा ना द आएगा उस पद से पहले जो पद अपने आप में सिंगल होगा। तो बच्चों ये तो गलत है, काट दो। अब आती है सर, क्या यहाँ पे एन नहीं आएगा? सर क्या यहाँ पे द नहीं आएगा? क्योंकि पद एक है। अभी एरर करते हैं, पहले सही हो गया, पैसिव बनाएंगे अभी बाद में। अब यहाँ आओ, दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी। किसका अध्यक्ष? कमेटी का। और बच्चों जब किसी चीज का निश्चित हो जाता तो वहां द का यूज कर सकते हैं आप। यहाँ सही है, यहाँ नहीं आएगा लेकिन, क्योंकि अध्यक्ष है सिर्फ, लेकिन यहाँ अध्यक्ष किस चीज का है ये बता दिया। तो द ए और एन नहीं आएगा यहाँ पे, द आ सकता है। नोट करो इसे, आंसर देखो इसका। इसका बनेगा हमारा ही वाज इलेक्टेड और प्रेसिडेंट बाय देम। अच्छा कहीं पर अगर इलेक्ट लगाना हो और सेलेक्ट, तो फर्क जान लो, इलेक्ट जो होता है ना वोट डालते हैं, तो उनके मेंबरों ने वोट डाला होगा तो वैसे बना दिया। ये वोट डाल के चुनना होता है, वो वैसे चुन लेते हैं, सिलेक्ट वाला फर्क है दोनों में। अब आप कैसे पहचानोगे? वर्ब लगने से पहचानना आप, वर्ब लगी भी है तो वोट डाले हैं, सेलेक्ट होती तो नहीं डाले थे वोट, ऐसे कर लिया था। अब यहाँ आते हैं, दे इलेक्टेड हिम, इसी का बनेगा। तो ही वाज इलेक्टेड, अब ये पूरा ऐसे उतर जाएगा, इलेक्टेड द प्रेजिडेंट, ही वाज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द कमेटी और बाई देम और फुल स्टॉप। नोट कर लो इसे, इलेक्ट सेलेक्ट मेक क्राउन कंसीडर थिंक कॉल नेम। नेम वाला दूंगा आप, उसके इंतजार में होना भी दूंगा। ये जितने भी हम शब्द बता रहे हैं आपको, इनके बाद एक व्यक्ति होगा, दूसरा पद। तो पहली बात, पैसिव वॉइस में व्यक्ति आएगा, पद मत लाना। दूसरी बात, पद अगर सिंगल है अपने समूह का, ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा। अगर हाँ ये बता दिया किसका है, कमेटी का या किसी जो है राज्यसभा का अध्यक्ष कुछ भी, तो या कुछ भी कप्तान हो हमारी टीम का, तो दा आ जाएगा, फिर दा लगा सकते हैं फिर। ठीक है, नोट कर लो इसे, नेम को पढ़ाओ जरा। दे नेम्ड मी पीटर, उन्होंने मेरा पीटर नाम रखा। या माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर नेम्ड मी चिंपू। ये नाम है, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा शुरू में? आई। अच्छा यहां तो वैसे भी ए नहीं आएगा, नाम है ना ये, तो आई वॉज नेम्ड, मेरा नाम रखा गया था क्या? पीटर। किसके द्वारा? बाई देम, उनके द्वारा। तो मेरा नाम पीटर रखा गया था उनके द्वारा। फिर यहां आएंगे तो आई वॉज नेम्ड, आई वॉज नेम्ड क्या? चिंपू, मेरा नाम चिंपू रखा गया था बाई माई ग्रांड मदर। ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। नोट कर लो इसे, थिंक और कंसीडर वाले भी देखने जरूरी है, क्योंकि वो चेंज होंगे ना बाद में, वो चेंज होंगे, लेकिन अभी देख लो। ही कंसीडर्स मी, ही कंसीडर्स मी ए स्पाई। अब जासूस तो बहुत सारे होते, तो लगा दो, वो मुझे एक जासूस समझता है, तो आंसर लगाएंगे आई एम कंसीडर्ड ए स्पाई और बाई हिम। नोट कर लो बाई हिम। फिर आते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट पे, दे थिंक हर, दे थिंक हर ए डॉक्टर। अब डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, पता क्या कहाँ कहाँ हैं, तो ए लगा सकते हैं, जो कॉमन नेम है वहां लगा दो। दे थिंक हर ए डॉक्टर, वो उसे एक डॉक्टर समझते थे या मानते थे या सोचते थे। तो क्या आएगा शुरू में? सी और इज थॉट, शी इज थॉट ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर
माना जाता है बाई डैम। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया नियम ये हमारा। तो बच्चों ध्यान रखना, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, क्राउन, मैक। अच्छा एक बात और है, इनके बाद माहौल ये वाला होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, समझ जाओगे आप। एक व्यक्ति, बाद में कोई पद या कोई नाम वगैरह उसे दे देंगे, बस। तो इनका पैसिव वॉइस ऐसी बनाना जैसे मैंने बताया, ठीक है, खत्म हो गया ये। क्योंकि मैं बता दूं आपको, कंसीडर, थिंक और मैक ये दोबारा आएंगे, लेकिन वो कुछ और होगा, समझाऊंगा मैं, अंतर होगा दोनों में, अंतर भी बता दूंगा आपको। तो इसे नोट कर लेंगे, ये खत्म हो चुका। तो इनका पैसिव वॉइस बनाओ तो ये मत लाना, ये कभी मत लाना, ये पद या संबोधन है, कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ये होता पहले वाला। टाइप नंबर 17 जो है वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। टाइप नंबर 18, और हमारा जो वॉइस है वो धीरे धीरे, अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे खत्म की तरफ है, लेकिन अभी काफी बाकी हैं। अभी तो डबल क्लोज जिनका पैसिव बनना वो भी बाकी हैं, एक बिल्कुल अलग होता देयर का वो भी बाकी हो सकता, वो आज करवा दूं मैं आपको। और जो है अभी ऑब्जेक्ट गायब करने वाला भी, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा वो भी है, और थिंक कंसीडर अभी ये जो बताया इसका दूसरा रूप भी आएगा, मतलब काफी है अभी तो। आपके लिए तो अच्छा है, एंजॉय करो। इधर देखो जरा बोर्ड पे, टाइप 18, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों। अब आप कहोगे सर वो तो अभी पढ़ा हमने, जो अभी पढ़ा ना आपने, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों जो पढ़ा है आपने, वो ये नहीं है, वो तो एक ऑब्जेक्ट था, एक कॉम्प्लीमेंट था, ऑब्जेक्ट को ले गए थे, कॉम्प्लीमेंट वहीं रोक दिया हमने, वो अलग है, ये अलग है, इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। अब दोनों ऑब्जेक्ट के नाम सुन लो, एक मिलेगा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे अब हमें, अब इसके स्पेसिफिक कुछ बनाएंगे बढ़िया करके। एक मिलेगा बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से, ये दो हैं हमारे पास, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दो होंगे हमारे पास, तो उनके नाम है ये। अब इनका क्या मतलब होता पता, ये पूछना हो आपको तो ये आता है हमारा क्या, ये क्या का जवाब होगा, और इनडायरेक्ट जो होता हमारा वो होता है किसे या किसको या किसके लिए। अभी समझाऊंगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। अब इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप इधर की तरफ, वस्तु 99% और 99% व्यक्ति। क्या चल रहा है बोर्ड पे ये? मैं हूं तो अभी मैं गया थोड़ी हूँ कहीं पे। एक-एक चीज, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगी जब तक क्लास चलती ही रहेंगी आपकी, ये भी तो बहुत सारी बाकी हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं क्लास बंद कर दूं बिना पूरा समझाए, और आपको लगता भी है मैं भी इंसान ही हूँ, कभी कमी रह जाए, मुझसे गलती हो जाए तो अगले दिन समझा देंगे। लेकिन मकसद यही है कि पेपर में सब कुछ करके आना है वो इससे रिलेटेड, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये हमने इतना सारा लिखा, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों, 99% वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी, नाम होगा उनका, इन नाम की जरूरत नहीं लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो 99% व्यक्ति होते हैं। क्या लिखा मैंने सब कुछ ही है, जब तक एग्जाम्पल नहीं आता तब तक कुछ क्लियर नहीं होता, अब होगा क्लियर। ही गेव मी ए बुक, ये वो नहीं है जो भी पढ़ा आपने, वो अलग है, उसमें एक ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 और एक ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इनके नाम अलग अलग हैं, ये तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 मैंने अपने पास से कर दिया, लेकिन इंग्लिश में इनके नाम है कुछ। अब कौन क्या होगा तो मुझे बताओ, उसने मुझे एक किताब दी, एक किताब दी, क्या दिया, एक किताब दी, क्या का जवाब किताब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दी, किसको, किसे, किसके लिए, किसको दी किताब, मुझे, बस ये बता रहा था मैं आपको। और एक चीज और, 99% वस्तु का मतलब मेरा ये था, जो वस्तुएं होंगी ना वो होंगी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति होंगे हमारे 99%, 1% कुछ होगा तो बताऊंगा लेकिन यही निकलेंगे आपके, ये होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोबारा समझ लें, समझ लो फिर से जरा, ठीक है,
इनकी कुछ मेन वर्ब समझाऊंगा आपको, वो अलग है ही अलग है। एक सब्जेक्ट जब किसी को सामान देगा, किसी को कुछ दिखाएगा, किसी को कुछ भेजेगा, किसी के लिए कुछ खरीदेगा, किसी के लिए जो है घर सजाएगा, किसी के लिए कुछ करेगा, मतलब तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे। ये मत कहना पहला दूसरा, बस ये समझ, मतलब दो होंगे पहला दूसरा जो भी, लेकिन उनके नाम जो होंगे वो उनकी स्थिति के हिसाब से, नहीं कि पहले पे है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में है तो डायरेक्ट, ऐसा नहीं। उनको समझने के बाद में अगर आपको लगे यार मेरे सेंटेंस में एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो क्लियर है वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानी जाएगी और व्यक्ति इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। अगर आप इसमें उलझ जाओ, परेशान हो जाओ, सर मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरे सामने कन्फ्यूजन वाला सवाल आ गया, तो फिर एक तरीका है इससे कर लेना सवाल, क्या का जवाब और किसे किसको का जवाब। तो मैं फिर से एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको बताना कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा। अभी पैसिव नहीं बनेगा, अभी तो ग्रामर चलेगी इसके अंदर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी विल सेंड हिम, शी विल सेंड हिम ए चॉकलेट, शी विल सेंड हिम ए चॉकलेट। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपका जवाब अगर इनडायरेक्ट है तो आप सही हो। तो अब ये मुझे बताओ, आपने ये कैसे पहचाना? क्या आपने इसलिए पहचान लिया सर पहले रखा हुआ, तो ये गलत बात है, वो भी आ सकता है पहले, अभी बताऊँगा, ये गलत तरीका आपका। लेकिन अगर आप ये कहो सर आपने लिख तो रखा 99% जो व्यक्ति होंगे हमारे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, तो सही हो आप, और जो वस्तु है हमारी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी तो भी सही हो। लेकिन 1% अगर गलत हो रहा है तो क्या करेंगे फिर इससे? क्या का जवाब जो होगा हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही बात है। और किसे किसको किसके लिए का जवाब अगर आएगा तो वो जो जवाब होगा हमारा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे बताओ फिर से, शी विल सेंड हिम, वह उस लड़के को भेजेगी, यानी कि ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या भेजेगी? चॉकलेट भेजेगी, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसका पैसिव वॉइस तो बाद में बनेगा, वो बहुत आसान है पैसिव वॉइस। इसकी ग्रामर बहुत मज़ेदार है, ग्रामर मीन्स इसमें कुछ नियम है जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से हट करके, वो तो अलग चीज़ है बिल्कुल, वहां तो नंबर मिल जाएगा आपको, लेकिन ग्रामर में भी आपको नंबर मिलने के चांस हैं। अब वो ग्रामर में नंबर कैसे होंगे, कहाँ होंगे, देखो जरा बोर्ड पे आप, कितना ऑब्जेक्ट है इसमें, दो। अब देखो इधर, सब कुछ नोट कर लेना ये जितना लिखा हुआ, और दे दो एक एग्जांपल, चलो देख लो। ही विल शो, SHO, ये ओ है, लिख देता हूं, चलो सही से, कभी दिख नहीं रहा हूं आपको, तो ये ही विल शो मी हिज पैन, एक ये और एक ये, तो पता ही है आपको, वह मुझे किसको, मुझे दिखाएगा एक पैन या अपना पैन, तो क्या दिखाएगा, अपना पैन, किसको, मुझे, क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति वस्तु से भी पहचान सकते हो आप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ व्यक्ति वस्तु थोड़ा उलझा देगी आपको, लेकिन मजे की बात यह है जब पूरा नियम हो जाएगा ये सब समझ जाओगे आप सारा एक एक चीज। देखो जरा बोर्ड पे, नीचे दी गई मेन वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट के स्थान को समझना आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पर सही पीपी
पीपी लिख रहा हूं मैं, आप लिख लो प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है पीपी शॉर्ट फॉर्म में। तो दोबारा सुनो, नीचे दी गई मेन वर्ब जो दूंगा मैं आपको अभी, नीचे दी गई मेन वर्ब के बाद कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दो। के स्थान को समझना, स्थान मतलब उनकी जगह कहाँ है, पहले कौन सा बाद में कौन सा, आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पर सही प्रीपोजिशन का यूज किया जा सके। ठीक है बच्चों, बस नोट कर लो इसे। अब तरीका देख लो इसका, तो नीचे दी गई मेन वर्ब को बाद में दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके स्थान को समझना बहुत जरूरी है ताकि सही प्रीपोजिशन का यूज किया जा सके। जैसे पहला एग्जाम्पल देता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। आई विल, पहले पकड़ो आप गिव को। अब बच्चों गिव हो या इसकी सेकंड फॉर्म गेव हो या गिवन हो या गिव्स हो या गिविंग हो, पांचों मेन वर्ब में से कोई सी भी हो, जब आप इसके बारे में सही से सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगा यार हाँ इसके बाद दो ही ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो वो चीज जो दी जाएगी बताना पड़ेगा ना क्या दे रहा है, और एक किसको दे रहा है, तो दोनों मिलेंगे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, तरीका देखो आप, दो आंसर होते हैं इसके। अभी एक्टिव चल रहा, पैसिव नहीं आया, अभी ग्रामर चल रही है। तो जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों, ग्रामर समझ लो, आई विल गिव यू ए पेन फुल स्टॉप। तो बच्चों इसमें जो पहले नंबर पे है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट। और दूसरे नंबर पे यानी कि बाद में क्या है? डायरेक्ट। सही है ना? बिल्कुल, नो एरर, कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। यानी कि जब भी आपको लगे भाई जिस व्यक्ति को सामान देना वो पहले स्थान पे है और जो सामान देना वो बाद में, तो कुछ नहीं आता, नो एरर। लेकिन इसका एक तरीका और है, ए पेन। अब के भैया जो चीज दी जानी है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और जिसे देना है, चाहे यू हो, मी हो, मोहन, माई ब्रदर, कोई भी हो, व्यक्ति हो, यानी कि वही बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और ये हमारा डायरेक्ट हो, तो ध्यान रखना टू आता किसके लिए? गिव के लिए। अभी कुछ दूसरी आएगी तो उसमें प्रीपोजिशन चेंज हो सकती, बताऊंगा आपको सब, पहले ये नोट कर लो आप। आगे तक ये बात ध्यान रखना, जब तक इसका पैसिव वॉइस सीखने की बारी ना आए, अभी आएगी, कितनी लंबी क्लास हो अभी समझा दूंगा सारा। तो ध्यान दें, कुछ मेन वर्ब हैं ऐसी, एक तो गिव हो गई जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट और उनके स्थान को समझना जरूरी है। स्थान ये व्यक्ति पहले वस्तु बाद में, समझ रहे हो आप? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, कुछ नहीं लगाएंगे, ऊपर वाला हो गया। लेकिन जब वस्तु पहले और व्यक्ति बाद में, ऐसा हो वस्तु पहले और व्यक्ति बाद में, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट बाद में, तो गिव के लिए क्या आएगा? टू। आंसर हमारा ये खत्म हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, दो तरीके हैं इसके, बढ़िया हो गया। ये आप मुझसे कहना चाह रहे हो अगर पैसिव बना दो ना, मैं सब्र से करवाऊंगा, सब्र से, मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा। अभी दूसरा नियम देखो आप, तो गिव के लिए ध्यान रखना प्रीपोजिशन टू हो गई, कब? जब व्यक्ति बाद में होगा। फिर दूसरा, ही, सिंपल सिंपल दिखा रहा हूं आपको, बड़े सिंपल सिंपल, ही विल सेंड। अब इसके साथ भी दो नियम है, इसके साथ भी बच्चों दो नियम है, दोनों नियम देखो आप। तो ही विल सेंड मी हिज पिक्चर, कोई गलती नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो पहले नंबर पे कौन सा है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब चीज बाद में वस्तु व्यक्ति पहले, नो एरर, कुछ नहीं आएगा ऐसी कंडीशन में, कुछ नहीं आएगा, सबके साथ ऐसी उतर जाएंगी बिल्कुल वो। तो वह मुझे अपनी पिक्चर भेजेगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ही विल सेंड हिज पिक्चर, ही विल सेंड हिज पिक्चर और टू मी, और बात खत्म हो गई। इसमें भी टू आता, तो कितनी हो गई हमारे पास? सेंड के लिए भी टू हो गया और गिव के लिए भी टू, लेकिन ये कब है? जब स्थान चेक कर लो आप कि डायरेक्ट पहले इनडायरेक्ट बाद में है। तीसरा देख लो आप, ही विल बाई या परचेज, दोनों के लिए सेम बात है और मीनिंग भी सेम है, तो एक साथ कर लो हिसाब। तो ही विल बाई या परचेज, ही विल बाई या परचेज, और इनके साथ में आप जानते ही हो दो बातें हैं, तो ही विल बाई या परचेज यू ए बुक, कोई गलती नहीं है,
बड़ा अजीब है, अजीब सेंटेंस है ये, देखो कैसे करके। वह तुम्हें खरीदेगा ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, तरीका ध्यान रखना, व्यक्ति पहले वस्तु बाद में, खरीदना है तो ऐसे बोलते हैं, वह तुम्हारे लिए। अब आप कहोगे फॉर नहीं लगाते, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा जब ये पहले होता वो बाद में, तो प्रीपोजिशन नहीं आती। प्रीपोजिशन का मीनिंग बोल सकते हो आप, लेकिन लिख नहीं सकते। जब ऐसा होगा तो ही विल बाई या परचेज, कुछ भी हो, दोनों के लिए है ये दोनों के लिए। तो वह तुम्हारे लिए एक किताब खरीदेगा, ये बनेगा इसका। फिर अगला देखो, ही विल बाई ए बुक या परचेज हो फॉर यू, फॉर यू, नोट कर लो इसे। तो बाई और परचेज के लिए फोर आएगी, सेंड के लिए टू आएगी, गिव के लिए टू आएगी, नोट करो। अगला देखो एग्जाम्पल, ठीक होगा, देखते रहो अभी। एक बार गए जरा, उसमें देखना है कुछ मुझे। ठीक है, तो कितने होगा हमारे, ये तीन होगा। अब है तो बहुत सारी मेन वर्ब बच्चों, लेकिन हम उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए, जो अक्सर पेपर में आती हैं ये आती हैं तीनों। लेकिन तीन और देखो आप, जैसे चार नंबर पे देखो आप, एक ही है, दे विल ऑफर, तीन और दिखा रहा हूं आपको, छह दिखाएंगे पूरी, ठीक है। तो अब ऑफर आ गई, दे विल ऑफर यू ए जॉब, तो एक तरीका ये हो गया। एक और देखो अभी, सही है, कोई गलती नहीं है। तो वो तुम्हें एक जॉब का ऑफर देंगे, या वो तुम्हें एक जॉब ऑफर करेंगे। अब ए जॉब, दे विल ऑफर ए जॉब, और ध्यान रखना इसमें क्या आता है हमारा, टू आता है इसमें। व्यक्ति चेंज हो सकता है, चीजें चेंज हो सकती है, नियम ये रहेगा हमारा, किसके लिए, ऑफर के लिए। तो बच्चों गिव के साथ में टू, सेंड के साथ में टू, परचेज और बाई, बाई के सेकंड फॉर्म बोट होती है उनके लिए भी फॉर, और इसके लिए क्या हो गया वापस से टू। एग्जाम्पल पांचवा, पांचवा एग्जाम्पल है हमारे पास में, ही टीचेज, ही टीचेज अस इंग्लिश, क्या पढ़ाती है, तो ये डायरेक्ट हो गया, किसे पढ़ाती है हमें, तो ये इनडायरेक्ट, सॉरी ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, बढ़िया है। लेकिन अगर इसे ऐसे लिखना हो, ही टीचेज इंग्लिश, पहले याद किया तो आएगा बच्चों टू अस, इसमें भी क्या आता है हमारा टू। तो टू वाली बहुत चल रही, ऑफर में टू, टीच में भी टू, और जो है हमारा सेंड में भी टू, गिव में भी टू, लेकिन परचेज और बाई में फोर आया था ना। अगला देखो एग्जाम्पल, ही टोल्ड, सेकेंड फॉर्म है ये, विल भी कर सकता है, लो विल ही कर लो, वो भी सही था। ही विल टेल, जैसे ये हैं ऐसी हैं, ही विल टेल मी द ट्रूथ, वह मुझे सच बताएगा, या द ट्रूथ और टू मी और फुल स्टॉप, ये भी सही, ये भी सही, इसमें भी क्या आएगा हमारा टू आएगा। सबको नोट कर लो, जितने भी दिखावा बोर्ड पे, कितनी मेन वर्ब दिखाई मैंने आपको, मैंने बच्चों आपको मेन वर्ब दिखाई छः, करने को तो 15-16 कितनी कर लो आप, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैं अगर यहाँ दो मेन वर्ब को छोड़ दूँ तो फिर परेशानी पड़ जाएगी आपको पेपर में, मतलब हो सकता है कि वो आ जाए, तो दो और देख लो अभी आप, एकदम हो जाएंगी, बहुत अच्छी हैं वो, इसे नोट करो, आपका तो फायदा है, जितनी ज़्यादा मिलेंगी आपको। ये और देखो आप सातवें नंबर पे, ही विल लैंड, अच्छा इसकी हिंदी देख लो आप, उधार देना, देना है देना, उधार देना,
और बच्चों इसमें जो है हमारा सेकंड फॉर्म होती लैंट, जरूरत पड़ेगी ना इसकी, और थर्ड फॉर्म होती लैंड, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, डज होगी तो इसमें डज लग जाएगा। तो ही विल लैंड यू सम मनी, कोई टेंशन नहीं है। वह तुम्हें थोड़े पैसे उधार देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सम मनी, और बच्चों जहां पे ना देने की बात आएगी, चाहे गिव हो या ये हो, इसमें सम में टू ही आता, इसका आंसर भी टू होगा, ठीक है। एक मिनिमम ये भी मिल गई हमें, इससे फायदा भी हो गया कि उधार देना सीख गए हम वर्ब के रूप में, ठीक है। फिर आठवें नंबर पर आएंगे तो ही विल, बढ़िया मेन नंबर बारे बढ़िया, तो ही विल बोरो, ये उधार लेना होता, ये लेना है, तो ही विल बोरो यू, ही विल बोरो यू सम मनी, वह तुमसे थोड़े से पैसे उधार लेगा। ही विल बोरो यू सम मनी, वो तुमसे थोड़े से पैसे उधार लेगा, या ही विल बोरो सम मनी, और बच्चों फ्रॉम यू, इसमें ध्यान रखना, इसमें फ्रॉम आती है। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चीज कहां से आती है तो उसके लिए फ्रॉम आता। जैसे अगर आप सूरज से किरणें प्राप्त करते हो तो वी, या मतलब एनर्जी, तो वी गॉट एनर्जी फ्रॉम द सन। या कोई फल कहीं से प्राप्त करा आपने, जैसे यूरोप से आया, तो आई गॉट दिस फ्रूट फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम, तो स्रोत के लिए फ्रॉम आता, तो सही है। तुमसे, तुमसे या उससे जो भी है, नोट कर लो इसको भी। ये बहुत कम होता, लेकिन ये बहुत मिलता। एक चीज़ और देखने की यहाँ पे, कभी कभी देखा गया है कि क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में इन दोनों में से कौन सी आएगी, ये पूछते हैं। तो तरीका है, अगर आपको प्री पोजिशन मिल जाए तो आसान क्वेश्चन है। जब टू है, टू व्यक्ति, तो लैंड लगाना, फ्रॉम व्यक्ति है तो बोरो लगाना, ये भी एक तरीका है। फ्रॉम आता बोरो के साथ, लैंड के साथ क्या आता है हमारे, टू। जब वो व्यक्ति बाद में हो जिसे चीज दी गई हो, नोट करो सबको, इन्हें पैसों के बदले में पेन कॉपी कुछ भी हो सकता है, उधार लेने में, उधार देने में, खत्म हो गया। ये तो हमने सीखा बच्चों, इससे हमें क्या फायदा होगा और ये किस तरीके से पेपर में आएगा, क्यों हमने इसमें इतना टाइम दिया, देखना जरा कैसा आएगा पेपर में। ऐसा आएगा पेपर में, ये पेपर में आती हैं ये गलतियां। शी हैज गिवन, शी हैज गिवन हर मनी, शी हैज गिवन हर मनी हर मदर, नो एरर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी बॉट ए बॉल योर ब्रोदर। सब ऐसे मिलते हैं, सिंपल सिंपल ही है, लेकिन पता होना चाहिए ना हमें सही से। तो शी सेंट, सेकंड फॉर्म है ये भी सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो शी सेंट मी ए बॉल, और फुल स्टॉप, और लास्ट में है हमारा नो एरर। तो बच्चों ये जो सेंटेंस हमारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि वोई वाली वर्ब है जो हमने पढ़ी है, गिवन बॉट और सेंट। तो बच्चों जो हम पढ़ लेते हैं ना, उसमें हमारी ड्यूटी हो जाती है, वी आर सपोज्ड, यानी कि आप उस शब्द के बारे में जो जरूरी नॉलेज है, ग्रामर है, वो चेक करो। तो चेक करते हैं, चलो ये तो सही है, ये भी सही है। अब इसके बाद में ये जो है हमारी चीज है, वस्तु, और वस्तु में आप जानते हैं कैसा, सॉरी, वस्तु में कैसा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बच्चों ये व्यक्ति है जिसे सामान दिया गया, और ये कैसा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसी कंडीशन में आपको प्री पोजिशन देनी पड़ती, जरूर देनी पड़ती है। यानी कि ये बनेगा, शी हैज गिवन हर मनी, उसने अपना पैसा दे दिया किसको, अपनी माँ को। अब बात आती है सर इस पार्ट में गलती करूं या इस पार्ट में, तो ध्यान रखना, जब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ऐसा हाल हो, ऐसा माहौल हो कि टू लगाना पड़ेगा, तो व्यक्ति वाले पार्ट में लगाना, नोट कर लो इस चीज को, व्यक्ति वाले पार्ट में लगाते हैं। इसमें भी सो सकते हो आप, इसमें भी, लेकिन कैसे पता चला, इसने बताया कि भाई मैं व्यक्ति हूं, मुझे जरूरत है, मैं पहले होता तो नहीं चाहिए, तो इसने बताया हमें।
इसने नहीं, ये तो सही है हमारा, शी हैज गिवन हर मनी, उसने अपना पैसा दे दिया, किसको दिया इसको, तो ये पूरा कर रहा ना, टू लगाओ यहां पे, शी सही है, सेकंड फॉर्म है ये सही है, बॉट ए बॉल, फिर वही बात, वस्तु पहले यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति बाद में, फोर लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे गलतियां हैं ये, नोट कर लो सबको, इन्हें एरर चल रही ग्रामर के रूप में। शी सेंट मी ए बॉल, अब ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सेकंड फॉर्म है सही है, व्यक्ति पहले है हमारा और वस्तु बाद में है, ये तो नो एरर होगा हमारा, सही है, कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए हमें, नोट करो सबको इसे। एक लास्ट एग्जाम्पल नोट देख लो आप, ही हैज ऑफर्ड, ही हैज ऑफर्ड और पहला है मनी, ही हैज ऑफर्ड मनी माई फादर, सोच के देखो आप इसके बारे में सही है क्या ये। फिर दूसरा है हमारे पास में माई फादर टू मनी, फिर तीसरा देखो आप, सोच लो सही से इसके बारे में, मनी विद माई फादर, प्री पोर्शन का भी ध्यान रखना, जो बताई है वो ही आएगी, और चौथा है फिर हमारे पास में मनी टू माई फादर फुल स्टॉप। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों उन्होंने ऑफर करी, आप जानते हैं इसके बाद में टू आएगी, गिव के बाद टू आएगी, लैंड के बाद टू आएगी, सेंड के बाद टू आएगी, बोरो के साथ फ्रॉम आएगी, बाय और परचेज के साथ फोर आएगी, सब समझा दिया मैंने, तो इसे टू चाहिए। तो बच्चों पहले तो इसे काट दो आप, ये गलत हो गया। अब यहाँ आओ आप, मनी पहले वस्तु फिर व्यक्ति, टू आना चाहिए था, इसमें गलत है ये। अब इसमें व्यक्ति पहले वस्तु बाद में, ये टू गलत आ गया, आंसर कौन सा हमारा ये, या अगर ये नहीं होता मान लो तो ये हो सकता, माई फादर और मनी। तो बच्चों जो चीज़ें मैं आपको अपनी इस क्लास में सिखा रहा हूँ या जो चल रही है, इसे नज़रअंदाज मत करो, इसे हल्के में मत लो बिल्कुल भी आप, हर वो चीज़ जो आपके पेपर में आई हुई है, पूछी जाती है, मुझे पता है कि मैं सात आठ साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, सब दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आगे से ध्यान रखना ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, गिव हो, सेंड हो, ऑफर हो, लैंड हो, चारों में और देख लेना आप, इन चारों के बाद ये देखना जरा आप, अगर व्यक्ति पहले वस्तु बाद में कुछ नहीं आएगा, लगा मत देना कुछ भी, किसी के साथ कुछ मत लगाना प्रीपोजिशन, व्यक्ति पहले वस्तु बाद में कुछ नहीं आएगा, और आज्ञा तो गलत होगा। अब दोबारा वही मेन वर्ब है, और भैया वस्तु पहले व्यक्ति बाद में, चार जो बताई मैंने, गिव सेंड लैंड और लैंड और ऑफर, टू आएगा, टू बिना टू के काम नहीं चलेगा, और ये भी ध्यान रखना यहां आएगा टू, कभी कुछ और कर दो आप, कोई परेशानी आपको इसके अंदर, बाय और परचेज में भी यही कंडीशन है, फोर आता था, लेकिन कब, जब वस्तु पहले व्यक्ति बाद में, व्यक्ति बाद में होना चाहिए तब प्रीपोजिशन आएगी। ऐसे ही हमारा जो है बोरो का नियम है, खत्म हो गया हमारा ये। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बोर्ड पे, इसका आपको ग्रामर भी चेक करनी है, एरर और पैसिव भी चेंज करना, ठीक है, पैसिव। अच्छा टीच में भी टू आती है, ठीक है, सब्जेक्ट बताना हो तो। देखें इधर बच्चों, ज़रा मैं देख लूँ, मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, कुछ अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ो आराम से, सब हो जाएगा, ये ज़रा तरीके से देखना। ये दो सेंटेंस है, दोनों तरीके से लिख दिया मैंने, बढ़िया है ना, दोनों तरीके बढ़िया। पैसिव बताना है इसको बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जितनी मेन वर्ब मैंने आपको लिखवाई है, गिव, सेंड, टीच, ऑफर, लैंड, बोरो, बाय और परचेज, इनको खास करके ध्यान रखना, और भी बताऊंगा कोई होगी तो, अगर प्रैक्टिस में बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर इनका पैसिव बनाने को आएगा तो उम्मीद है आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, वो ज़रूर चेक करना आप कि वहाँ पे जो दिए होंगे उसमें ऑब्जेक्ट में टू तो नहीं चाहिए आपको, एरर वगैरह में, वैसे पैसिव बनाने को देंगे तो एरर तो नहीं ढूंढनी आपको, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रा सही से,
ठीक है, तो आपको वो तरीका हमने सिखा दिया कब लगेगा कब नहीं। अब इनके पैसिव हमेशा दो बनेंगे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है ना, कभी एक ले जाओ कभी दूसरा ले जाओ, लेकिन तरीके से करना सारी चीज़ें। पहले मुझे बताओ गलती है क्या इसके अंदर। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये व्यक्ति हो गया और ये वस्तु, तो क्या यहाँ टू लगा दूँ, यहाँ टू लगा दूँ, यहाँ टू लगा दूँ, कुछ नहीं होगा। बढ़िया सेंटेंस, कुछ नहीं करना हमें, बढ़िया है। नीचे चेक करो, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, और बच्चों वस्तु पहले है और व्यक्ति बाद में है, तो टू तो सही है ना गेव के लिए। बढ़िया, सब बढ़िया, नो एरर, दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट हैं, बढ़िया पोजीशन में लिखे हुए हैं। अब हमारा काम पैसिव वॉइस बनाने का। तो देखो, जब आप ध्यान से सुनना, जब आप इनका पैसिव बनाओगे तो आप यहाँ दोनों में से कुछ भी, या तो ये ले जाओ, इधर ले जाओ, मर्जी है आपकी, या फिर ध्यान रखो ये ले जाओ, एक जाएगा कोई सा, या ये ले जाओ आप इधर को, मतलब कोई एक लेके चले, दोनों मत लेके जाना, एक लेके चले जाओ आप। सतर्क रहना, सतर्क, बहुत मजे की चीज आने वाली। अब सुनो आप, इसके पैसिव कितने बनेंगे बच्चों, दो। अगर मैं ये लेके जाऊं तो देखो आई गेव का बन जाएगा वाज गिवन, इसमें परेशानी आपको नहीं पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, अब हमेशा जो आप छोड़ के जाओगे ना वो मेन वर्ब के तुरंत बाद आएगा और ये सबसे लास्ट में आएगा, बाई हिम। अब एक चीज की परेशानी है यहां पर समझने की, जरा सर वस्तु पहले, ध्यान से सुनना, व्यक्ति बाद में बाई क्यों आ गया, ये पैसिव है ना, इसमें तो बाई आएगा, वो एक्टिव थे। अब यहीं पे एक चीज सुनो आप, एक चीज यहीं सुन लो चलते चलते, दो सवाल हो गए अब हमारे पास, किसको और किसके द्वारा। तो बच्चों जब हमारा सवाल किसको पर जाएगा, किसको दिया सामान, किसके लिए खरीदा, किसे भेजा सामान, तो ये किसे, किसको, किस लिए, अगर प्री पोजिशन की जरूरत पड़े तो टू फॉर या फ्रॉम आएगा, बाई मत लगाना। लेकिन दूसरी बात ये भी समझ लो, पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो बच्चों अगर बाई ऑब्जेक्ट है तो समझ जाना उसको नहीं बल्कि उसके द्वारा, सही है ना, तो सही है सेंटेंस ये। तो देखें इधर, अब मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, व्यक्ति पहले था वस्तु बाद में थी कुछ नहीं था, अब ये बताओ जरा, व्यक्ति पहले और वस्तु बाद में, भले ही मेन वर्ब को किस क्रॉस कर गया हो लेकिन नियम फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये सेंटेंस नो एरर है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर, लेकिन अगर, अब इसका दोबारा देखो आप, मैं ये लेके जाऊं तो क्या आएगा शुरू में, ए बुक, यही तो होगा बच्चों, और वाज गिवन, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी लेके जा सकते हो, तो ए बुक वाज गिवन, रुक जाओ, यहां जो बच रहा है हमारा मी, आप अगर कंडीशन देखो तो यहां तो वस्तु बाद में थी व्यक्ति पहले था, लेकिन जब ये क्रॉस करके चली गई तो वस्तु पहले आ गई, देखो वस्तु पहले, और बच्चों ये तो बाद में हो गया, टू लगेगा यहाँ पे, आप टू चाहिए इसे, यहाँ नहीं था टू क्योंकि वस्तु बाद में थी लेकिन क्रॉस कर गई, जैसे आप यहाँ लेके जाओगे व्यक्ति को टू देना पड़ेगा, और यहां से जो आएगा वो क्या लेगा अपने साथ में, हिम। कोई परेशानी है आपको, होगी तो अभी दो दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तब समझ लेना आप। फिलहाल जब हमारे सामने ये मेन वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं, इनका पैसिव बनाना, तो दो आंसर हैं, और वो कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलो, अगर वस्तु पहले निकल गई किससे, जिसको दिया जाएगा सामान, तो उसे फिर टू चाहिए, और वस्तु बाद में तो कुछ नहीं चाहिए फिर। जैसे यहाँ देखो आप, कोई सा भी जो मर्जी हो वो ले जाओ आप, इसमें हम पहले व्यक्ति लाए थे तो आपके भी व्यक्ति लाएंगे, आई उसे ले आया मैं, कोई बात नहीं, वाज गिवन, आई वाज। एक बात और है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती, सर प्री पोजिशन के बाद, हाँ ये खास मेन वर्ब हैं, इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों होते हैं, ये प्री पोजिशन जरूरत है हमारी देनी पड़ती, लेकिन ये तब भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि पहले जो प्री पोजिशन के बाद आते थे वो ऑब्जेक्ट नहीं होते थे, लेकिन ये है हम बता रहे हैं, ये है, नोट करो आप इसे। अब आई वाज गिवन ए बुक, ये तो पास में आता, और बच्चों बाई हिम, मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, यहां जो ये टू था इसलिए तो था क्योंकि वस्तु पहले व्यक्ति बाद में, लेकिन जब मैं इसे यहां ले गया तो व्यक्ति पहले वस्तु बाद में, टू खत्म अपने आप, टू तब आता जब व्यक्ति बाद में हो, अब वो पहले आ गया तो क्यों लगाऊंगा मैं, पैसिव खत्म हो गया आंसर। दूसरा देख लो, अगर मैं इसे लेके जाऊं शुरू में,
तो ए बुक वाज गिवन, तो बच्चों वो तो ऐसी रहेगा टू मी, क्योंकि व्यक्ति बाद में, वस्तु पहले, और बाई हिम। नोट करो इसे जल्दी से, खत्म, नोट कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखो भैया। इसका आंसर देना जरा। ही हैज इसका आंसर दो पहले, अभी सिखाया उसके हिसाब से आंसर देना आपको। तो ही हैज बॉट, वह खरीद चुका है ए साड़ी हर। लगा दूं, एक्टिव वॉइस है, वस्तु पहले व्यक्ति बाद में, प्री पोजिशन चाहिए थी, काट दो। साड़ी है, साड़ी जो पहनती है लड़कियां, लेडीज, तो हर व्यक्ति पहले वस्तु बाद में, ये क्यों लगा रहे हो आप, उल्टा हो गया ये तो, यहां लगनी थी, यहां लगनी नहीं थी, तो गलत हो गया ये। तीसरा, वस्तु पहले व्यक्ति बाद में, प्री पोजिशन आती, लेकिन तू क्यों आ रही इसमें, बोट में तो फोर आती, गलत हो गया ये। आंसर है ये, व्यक्ति पहले वस्तु बाद में, लगा दो ऊपर। अच्छा, दिमाग में आपके ये भी होगा, देखो ये भी होगा दिमाग में आपके, सही है बिल्कुल, दिमाग में आपके ये भी आंसर है, वस्तु पहले व्यक्ति बाद में, बोट के लिए फोर आ रहा है, दोनों आंसर है। तो मैं समझाऊंगा दोनों, लेकिन ऊपर देखो क्या कर रहा हूं मैं। तो ही हैज बॉट हर ए साड़ी, फुल स्टॉप, एक्टिव वॉइस, ठीक है, नीचे दूसरा लिखूंगा, दोनों के बनाएंगे। तो सही आंसर ये, उसने उसके लिए एक साड़ी खरीदी। अब ये है एक सेंटेंस, ही हैज बॉट, दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं आपको इस रूप में, ही हैज बॉट ए साड़ी, और बच्चों फोर हर, दोनों आंसर होते हैं, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। बनाए पैसिव वॉइस, दो बनेंगे बस उसका। देखो इसमें मैं बताऊं क्या परेशानी पड़ेगी आपको, बस व्यक्ति पहले वस्तु पहले, इसको फोकस कर लिया, बहुत सिंपल है ये, और आप करोगे, आपको करना पड़ेगा फोकस, जरा फोकस करो मेरे साथ। मैं ला रहा हूं पहले क्या, शी, तो पहला टाइप तो ये हो गया हमारा, ठीक है, तो शी हैज का बन जाएगा हैज बीन, और बॉट, शी हैज बीन बॉट ए साड़ी, और बाई हिम। अब टू और फोर को चेक कर लो, फोर की जरूरत है क्या, तो देखो बच्चों, व्यक्ति पहले था, वस्तु बाद में थी, और व्यक्ति अब भी पहले है, लड़की हो या लड़का, और वस्तु बाद में है, तो कुछ नहीं आएगा, नो एरर सेंटेंस, लास्ट में बाई लगाना, खत्म हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया, अब दूसरा आंसर देखो इसका आप। अब साड़ी लाओ आप शुरू में, जो मर्जी वो ले आओ, तरीके से लाना, ए साड़ी हैज बीन बॉट, ए साड़ी हैज बीन बॉट, भैया पहले ये लिखा जाएगा, लेकिन फॉर हर करके, क्यों हो रहा है ऐसा, वस्तु पहले पहुंच गई बाद में, नहीं शुरू में भी आ जा पहले, वहां से यहां भी आ जाएगी, तब भी नियम है, और वहां वहीं पे पहले होगी तब भी नियम है। ये हो गया व्यक्ति बाद में था, और इसके बाद में क्या आएगी, बाई हिम, ये बन गया पेसिव हमारा, खत्म हो गया। हिंदी वही है, उस लड़के ने लड़की के लिए एक साड़ी खरीदी, उस लड़की को एक साड़ी खरीद कर दी गई उसके द्वारा, एक साड़ी उस लड़की के लिए खरीदी गई उसके द्वारा, ये भी वही है, बस ध्यान रखना फोर का क्या होना है इसमें। तो बच्चों एग्जाम्पल ये रहा एक्टिव में, पेसिव ये, पेसिव ये, दोनों देख लो आप। तो सबसे पहले मैं ला रहा हूँ हर को, तो क्या बनाऊंगा मैं, शी, लड़की को, मतलब व्यक्ति पहले लाता हूँ मैं, बताऊंगा इसके पीछे भी क्या वजह है, वो बात कल होगी हमारी, कल होगा थोड़ा सा भी ये। तो शी यहाँ आ गया हैज बीन, बाकी काम तो सारा पुराना है, हैज का बीन बढ़िया ध्यान देना आपको। तो शी हैज बीन बॉट, अब ये यहीं रहेगा। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे बच्चों, ये फोर तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए खत्म हो गया, वस्तु पहले व्यक्ति बाद में फोर था, लेकिन अब व्यक्ति पहला आ गया तो ठीक है, लेकिन बाई हिम, पैसिव। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें भी हम, ए साड़ी,
अब वस्तु पहले थी और पहले ही आ रही है तो फोर रुकेगा। ए साड़ी हैज बीन बॉट, पहले यही आएगा, ये मत कर देना बाई हिम, पहले आएगा फॉर हर और बाई हिम पैसिव वॉइस, खत्म हो गया। एक साड़ी उस लड़की के लिए उस लड़के के द्वारा खरीदी गई है, नोट कर लो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको उसका आंसर ऑप्शन में से छांटना, ऑप्शन दूंगा मैं पैसिव वॉइस में, बस लास्ट है, बाकी बातें कल होंगी आपसे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, कल फिर नया टाइप शुरू करेंगे, लेकिन अभी यही देख लो आप, इसका आंसर देना आपको। ही गेव मी ए फ्लावर, उसने मुझे एक फूल दिया, ये क्वेश्चन है मेरा, अब आंसर देख लो आप। चार हैं इनमें एक आंसर लगाना, जैसे पेपर में आता आंसर लगाना आपको, तो देखते रहेंगे। आई वाज गिवन, इसे लिख गया मैं यहाँ को, अपने आप सोचना मुझे नहीं पता। आई वाज गिवन टू ए फ्लोवर और बाई हिम, फिर दूसरा है ए फ्लोवर वाज गिवन मी और बाई हिम, फिर तीसरा है ए फ्लोवर वाज, बहुत ऐसा कंफ्यूज करेगा आपको, परेशान हो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, देखो इसे समझना सही से आराम से हो जाएगा। ए फ्लोवर वाज गिवन टू हिम और बाई मी, एक ऑप्शन और है हमारे पास, ए फ्लोवर वाज गिवन टू मी और बाई हिम, शुरू करें आंसर देखने। तो चलो ठीक है, जब आप व्यक्ति पहले लाए हो वस्तु बाद में है, तो ये क्यों लगा रहा हो आप, गलत हो गया पहला, उल्टा होता तो होता, व्यक्ति बाद में होता वस्तु पहले तो लगाते, गलत हो गया टू। फिर हमने वस्तु पहले लाए व्यक्ति बाद में छोड़ा, टू होना चाहिए था यहाँ पे, गलत है ये। तीसरा देखो, वस्तु पहले आई फिर व्यक्ति था बाई मी, लेकिन रुकना, ये मी बाई और ये हिम टू, मतलब जो यहां से गया उसे तो आपने टू दे दिया, टू हिम कर दिया, देखो कितना गलत करा इसने, और जो मी था उसे बाई मी, ये तो उल्टा हो गया। इसमें इस लड़के ने मुझे फूल दिया है, इसमें उल्टा हो गया, मेरे द्वारा उस लड़के को ये क्या बात हुई, फूल तो मुझे ही देना है ना, मुझे ही दिलवाओ फूल, तो गलत हो गया ये। ऐसे ऐसे बहुत करता है वो, यहां से जो लेके जाएगा उसे टू दे देगा और जो यहां होगी उसे बाई दे देगा, ये गलती करेगा, धोखे से होगी गलती, आपसे नोट कर लो, इसे गलत है ये सही है। ए फ्लोवर यहाँ आ गया वाज गिवन और टू मी, पहले भी मुझे दिया गया था, क्योंकि टू जो होता है ना इसे इसे दिया जाता सामान, और बाई इसके द्वारा, इसके द्वारा आंसर यही है हमारा। एक चीज और देखो इसमें, अगर ऐसा हो जाए आंसर हो गया, लेकिन एक चीज और देख लो, पांचवा ऑप्शन, ए फ्लोवर वाज गिवन बाई हिम और टू मी, तो देखो जिसके द्वारा दिया गया है वो तो सही है, जिसको दिया गया है वो भी सही है, लेकिन स्थान गलत है, इसको भी ध्यान रखना, जिसके द्वारा दिया जाएगा वो बाद में आता, जिसे दिया गया है वो पहले आता, ये सही है, क्रम भी ध्यान रखना, और किसने दिया किसको ये भी ध्यान रखना। मैं इससे आगे की क्लासेज टीच वाली, और इसमें ये भी कंफ्यूजन है, कभी कभी दोनों आंसर मिल जाते हैं पेपर में, तो किसे पकड़ेंगे ये बात हम आपसे कल करेंगे, कल आपका टेस्ट होना है, यहाँ तक का जो सिखा दिया गया बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इस क्लास की कम से कम 30 क्लासेस होनी है, तो एन्जॉय करें, अपना स्टडी मटेरियल तैयार रखो, पेपर कभी भी हो सकता है। शुक्रिया।